कल से यूपी में बीजेपी के राम जन्मभूमि तीर्थ दर्शन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा अयोध्या से राम तीर्थ दर्शन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कल जेपी नड्डा सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ दर्शन अभियान में बीजेपी यूपी की हर लोकसभा क्षेत्र के 5000 राम भक्तों को रामलला के दर्शन कराएगी, ये टारगेट रखा गया है और इसी की शुरुआत कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। संकेत मेरे सहयोगी और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस समय। संकेत, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं अयोध्या, राम जन्मभूमि पर पहुंचते ही तीर्थ दर्शन अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कल की क्या तैयारियां की गई हैं और कल तो सिर्फ जेपी नड्डा ही दर्शन करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के, या फिर उनके साथ कुछ और लोग भी वहां मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की राम जन्मभूमि तीर्थ दर्शन अभियान की शुरुआत कल से कर रही है। बीजेपी ने इसके लिए एक बड़ी कार्य योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों में संयोजक तैनात किए गए हैं लोकसभा स्तर पर, और उसमें जो राम दर्शन अभियान की जिम्मेदारी संभालेंगे और हर लोकसभा क्षेत्र से 5000 जो राम भक्त हैं उनको लाया जाएगा, दर्शन कराया जाएगा, और ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी संगठन की होगी, उनको दर्शन कराना, उनको ठहराना और उनके भोजन की व्यवस्था। संकेत, लेकिन एक सवाल ये है कि 5000 राम भक्तों को हर दिन जो दर्शन कराए जाएंगे, अभी की स्थिति अगर देखें तो आज सुबह से फिलहाल कपाट बंद है, भगवान राम के दर्शन भक्त नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर डटे हुए हैं, हिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और लाखों की संख्या में इस समय राम भक्त वहां मौजूद हैं, तो बीजेपी की कल रणनीति क्या रहेगी 5000 राम भक्तों को दर्शन कराने के लिए? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5000 ये जो राम भक्त हैं इनको एक दिन में दर्शन कराने का लक्ष्य नहीं रखा है, ये हर लोकसभा क्षेत्र से 5000 लोगों को लाया जाएगा और उनको दर्शन कराया जाएगा, और वो वहां पर जो परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से ही वो लोग अपने लोकसभा क्षेत्रों से निकाले जाएंगे। ये अभियान पूरी तरीके से 24 मार्च तक चलेगा और उसमें जो वहां पे लोकसभा क्षेत्र के 5000 लोग होंगे वो बसें उसी। संकेत, नजर बनाए रखिए इस खबर पर अपनी, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।